नमस्ते दोस्तों, मेरा जारी है, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के पुराने एपिसोड में। दोस्तों, 112वें शिक्षुता परीक्षा के सेशनल और प्रैक्टिकल के मार्क्स अब पोर्टल पर चढ़ना शुरू हो चुके हैं और इनके चढ़ने की अंतिम तिथि भी अब बहुत ही नज़दीक आने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक डिपार्टमेंट अपने कैंडिडेट्स के प्रैक्टिकल और सेशनल के मार्क्स कैसे पोर्टल पर चढ़ा सकता है। दोस्तों, यह काम केवल इस्टेब्लिशमेंट यानी उस डिपार्टमेंट का है जहां पर आपकी अप्रेंटिसशिप लगी हुई है और इस कार्य को आप आपके लॉगिन पोर्टल से नहीं कर सकते हैं और ना ही आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स पोर्टल पर चढ़े हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों, ये मैंने एक डिपार्टमेंट का लॉगिन पोर्टल यहाँ पर ओपन किया हुआ है। तो इसमें हम जाएंगे ऑप्शन के लिंक पर और यहाँ से हमें लेफ़्ट साइड में एक मेनू ओपन होगी और इस मेनू में हमें जाना होगा सबसे नीचे DT AITT एग्ज़ाम एंड सर्टिफिकेशन के लिंक पर। तो जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने नीचे अटेंडेंस एंड मार्क्स का लिंक ओपन हो जाएगा और हमें क्लिक कर देना है इसी लिंक पर यानी अटेंडेंस एंड मार्क्स पर। तो दोस्तों, जैसे हम अटेंडेंस एंड मार्क्स पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने उन कैंडिडेट्स की सूची यहाँ पर आ जाएगी जो इस डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप लगे हुए हैं या फिर जिनकी अप्रेंटिसशिप पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें उन कैंडिडेट को चेक करना है जिसकी अप्रेंटिसशिप कम्प्लीटेड दिखाई दे रही है, यानी जिन कैंडिडेट की अप्रेंटिसशिप 31 मई 2022 तक पूरी हो चुकी है, उन सभी के प्रैक्टिकल और सेशनल के मार्क्स हम पोर्टल पर चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैंने लगभग सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स पोर्टल पर चढ़ाए हुए हैं, लेकिन एक कैंडिडेट ऐसा बचा हुआ है जिसके मार्क्स अभी तक नहीं चढ़ाए गए हैं। तो अभी हम उसी कैंडिडेट के मार्क्स को पोर्टल पर चढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, मार्क्स चढ़ाने के लिए हमें जाना होगा एक्शन के नीचे 3 डॉट जो आपको दिखाई दे रही हैं उसी पर और यहाँ से हम जाएंगे एंटर मार्क्स के लिंक पर। तो दोस्तों, एंटर मार्क्स के लिंक पर जाने उपरांत हमारे सामने कैंडिडेट की कुछ डिटेल्स ओपन हो जाएंगी और उसके पश्चात हमें प्रैक्टिकल मेन मार्क्स चढ़ाने का लिंक यहाँ पर दिखाई देगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है कि जो कैंडिडेट के प्रैक्टिकल के मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 300 होते हैं और जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 60% यानी 180 होते हैं। और दोस्तों, जैसे ही हम नंबर एंटर करेंगे, हमारे सामने पास या फेल का भी ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा। तो अभी मैं इस कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इस कैंडिडेट के मार्क्स एंटर कर दिए हैं और इसके जस्ट सामने पास का ऑप्शन भी दिखा दिया है, यानी यह कैंडिडेट इसमें पास हो गया है। तो दोस्तों, ये तो थे प्रैक्टिकल के मार्क्स। इसके बाद हमें भरने हैं प्रैक्टिकल के सेशनल के मार्क्स, तो ये भी आपको जस्ट नीचे ही दिखाई देंगे। तो ये मार्क्स हमें 100 में से भरने होते हैं और इसके लिए भी 60% यानी 60 मार्क्स पासिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अभी मैं इस कैंडिडेट के ये मार्क्स भी यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने सेशनल के मार्क्स भी एंटर कर दिए हैं और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी यहाँ पर पास दिखाया गया। तो अभी हमें इन मार्क्स को सेव कर देना है, तो मैं सेव मार्क्स के लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से एंटर्ड सक्सेसफुली यानी इस कैंडिडेट के प्रैक्टिकल और सेशनल के मार्क्स सक्सेसफुली एंटर हो चुके हैं। तो इस तरीके से कोई भी डिपार्टमेंट अपने कैंडिडेट्स के मार्क्स पोर्टल पर एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके प्रैक्टिकल और सेशनल के मार्क्स अभी तक पोर्टल पर एंटर नहीं हुए हैं तो आप तुरंत आपके डिपार्टमेंट में संपर्क करके अपने ये मार्क्स अवश्य एंटर करवाएं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल और सेशनल के मार्क्स एंटर नहीं करवाएंगे तब तक आप एग्ज़ाम फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे और आपकी मार्कशीट भी जनरेट नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यावर्त।